हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेविंग टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक जोड़ वाला साया का सिलाई, मतलब सिर्फ जिसमें एक जोड़ होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम लोग डोरी के लिए निकाल लेंगे 1 इंच का, वो थोड़ा सा लेकर डोरी के लिए कट कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो डोरी होगा तो वो इसी कपड़े का होगा, ठीक है। और ये वाला कपड़ा का कटिंग और सिलाई काफ़ी आसान है दोस्तों, तो आपको मतलब बहुत ही जल्द समझ में आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे ये दो डोरी हो गया, दोनों को मिला के हम लोग बड़ा कर लेंगे सीधे वक्त। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कमर पट्टी। कमर पट्टी के लिए आपको लेना है 2.5 इंच, एक्चुअल में 2 इंच चाहिए, लेकिन 2.5 इंच इसलिए लेते हैं कि ये दोनों तरफ मोड़ने के बाद ये 2 इंच हो जाता है बस। तो दोस्तों, हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई सिर्फ 45 सेकेंड में। तो अगर आपको कटिंग समझ में आ ही गई होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे एक किनारे पे हम लोग ऐसे ही करके थोड़ा सा मोड़ लेना है। ध्यान रहे, ये वाला ऊपर की तरफ एक किनारा का होगा। यहाँ पे मोड़ कर हम लोग एक सिलाई करेंगे, यहाँ पे डोरी का वो मुँह रहेगा इसलिए। अब यहाँ पे हम लोग देंगे छोटे छोटे चून, यहाँ पे छोटे छोटे आपको चूनन देने जाना है। आप चाहे तो वो मैगी खाने वाला जो स्पून होता है उससे भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिए हैं, वैसे भी ये चूनन देना काफ़ी आसान है तो आप वो दे सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, हमारी चूनन कंप्लीट हो गई। अब हम लोग दूसरी तरफ भी वैसे ही किनारे को मोड़ लेंगे, क्योंकि पेटीकोट में जो कटा हुआ हिस्सा होता है उसके लिए। ये चूनन का काम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसमें जोड़ेंगे कमर पट्टी। तो कमर पट्टी को ऊपर रखेंगे और सिर्फ एक सिलाई करेंगे अभी दोस्तों। कमर पट्टी की एक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इसे हम लोग सीधी करेंगे और दूसरी तरफ इसे मोड़ेंगे और इसे उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे। तो ये दोनों तरफ का मतलब कमर पट्टी अच्छे से बन चुका है और इसके अंदर अब डोरी रहेगी। कमर पट्टी की सिलाई कर लेना है। यहाँ पे हम लोग करेंगे दो सिलाई। दो सिलाई इसलिए किया जाता है ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। वैसे काम एक सिलाई से भी चल जाती है। आप चाहे तो दो सिलाई करें और ना चाहे तो खैर कोई बात नहीं, ये दूसरी सिलाई एक चाप के बाद होती है। और दोस्तों, वैसे भी ये पेटीकोट का जो सिलाई है काफ़ी इजी है, मुझे उम्मीद है कि आप देखने के बाद ज़रूर से समझ जाएंगे। ये था नीचे का पोर्शन, तो नीचे की तरफ ऐसे ही मोड़ लेना है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आएगी ही और आप सीख जाओगे ही, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये नीचे की तरफ हम लोग और एक सिलाई कर लेंगे, क्योंकि एक जोड़ वाला पेटीकोट में हमेशा दो ही सिलाई होता है नीचे। तो दोस्तों, अब हमारे पेटीकोट कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ किनारे में जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि शुरू में ही बोले थे, ये एक जोड़ वाला होगा, तो वो जो एक जोड़ है तो उसी को हम लोग जोड़ेंगे। और जहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में सिलाई करना शुरू किया था वहाँ तक आके छोड़ देना है। ये कटा वाला हिस्सा हो गया। अब हम लोग डोरी को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डोरी है इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके कट करना है और फिर इसे अपोजिट करके जोड़ लेना है। अब ये पूरी तरह से डोरी सीधी हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप नाखून देकर सीधा कर लें। अब डोरी बनाना है। तो डोरी बनाना वैसे काफ़ी आसान होता है, अगर आपको नहीं आता तो आप जैसे वीडियो में दिखाया गया वैसे ही करके आपको सिलाई करनी है। दोस्तों, डोरी बनाना काफ़ी आसान है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सीखने लायक है। वैसे भी जिनके घर में सिलाई मशीन है उनको डोरी बनाना आता ही होगा, है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे डोरी हमारी हो गई है कंप्लीट। अब आप चाहें तो जहाँ पे जोड़ था वहाँ पे आप और एक दो सिलाई कर सकते हो ताकि मजबूत रहे। वैसे भी ये टेढ़ा करके जो कट करके सिलाई किया जाता है तो उससे टूटती नहीं है डोरी, वैसे भी मजबूत ही होती है। तो हमारी ये पेटीकोट बनकर तैयार हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ये है 6 के लिए पेटीकोट की सिलाई जिसमें चैन लगा हुआ है, और ये है कटिंग। अगर आप इन सब की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, आप अच्छे से रहें।
अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।